आदाब अर्ज़ जी, आपका स्वागत हैगा साडी पीपीएल प्रीमियर लीग दे विच जिथे उहा एफसी वर्सेस पाकिस्तान एयर फोर्स का मैच हैगा और कपू मैच देखने वास्ते मैच भी चुकी है पी एफ सी मैच तो गोल गोल हैगी अगे फॉरवर्ड कर रही है सर अगे गेम नहीं जा पाई है बहुत अच्छा ब्लॉक किया है इस टाइम पाकिस्तान एयर फ्रांस एयर एयरफोर्स ने और गेंद को अगे पकाने की कोशिश करी है पर दोवे ने बहुत अच्छा ड्राइव करके रोकया है गेंद अगे पकई हैगी बैक पास किया है बैक पास देने के बाद गेंद को रोकया अच्छा डिफेंस का नजारा पेश किया है साढ़े सामने तो हूँ गेंद लैके चले गए हैं अगर देखना है कि किस तरह लैफ्ट लैंक को राइट लैंक की कोशिश कर रही है कि यह एयर और ऐ हुमा की गेंद हुमा लेके अगे पहुंच चुकी है कि यह क्या इसको गोल गोल कर पाई नहीं कर पाई गेंद पीछे चली गई एयर फोर्स की अच्छी डिफेंस उनके गेंद को आगे पहुंचा चुका है गेंद अगे जा चुकी है कि यह कितो गेंद बहुत प्यारा गेंद पहुंचाया है और यह गोल करने के कोई गलती नहीं की और यह पहला गोल मिल चुके है पाकिस्तान एयर फोर्स के कोल हम असी जिहड़े हैगे अज मैच हैगा पाकिस्तान प्रीमियर लीग दे विच ओहदे विच मैच असी तुहानू सब दे सामने गेम दे विच देख के दस रहे हैगे कोशिश हैगी कि यह मैच तुहानू सब नू पसंद आए पाकिस्तान प्रीमियर लीग दे विच काफ़ी अच्छे मैच चलते पे अज का मैच जिहड़ा हैगा पाकिस्तान एयर एयर फोर्स का मैच है हुमा एफ सी के नाल हुमा एफ सी थोड़ी जी पिछले रह गई है कि यह शायद पाकिस्तान एयरफोर्स आज से मैच अच्छे तरीके मार्केट में जीते अभी सब कुछ पता तो यही करते पे हाँ चलिए दोबारा तो फुल गेंद हुमा हुमा एफ सी के कोल हैगी है हुमा एफ सी कोशिश करे कि गोल करन की हूँ उन्होंने गेंद को अगे पहुँचाया है कि तो गेंद को गोल कर पाएंगे गेंद लेके आगे पहुंच रहे हैं गेंद अच्छी गेंद दिखती है गेंद पास दिता पर गेंद में पकड़ नहीं पाए सेंटर फॉरवर्ड गेंद में फिर वापस पीछे चली गया हुआ कोशिश करती हूँ पर हुआ तो गेंद चली गई है एयर फ्रांस दोबारा तो अटैक पे जा रही है कि वो अटैक कर पाएगी गेंद अले भी उन्होंने कोल हैगी है गेंद दिखती अगे है फिर दोबारा तो गेंद पर पहुँच नहीं पाए एयरफोर्स का जोड़ा खिलाड़ी से पहुँच नहीं पाया तो हूँ गेंद पिछले गेंद हूँ गेंद अगे फिर दोबारा कोशिश करी हुआ हुआ हुमा एफ सी जिदा एक बार फिर दोबारा पास किया है सेंटर पास उड़ रहे गेंद पर नहीं अच्छा अच्छा एयरफोर्स का 34 मिनट हो चुके हैं गेंद साढ़े को हूँ 11 मिनट हो रहे गेंद या तो गोल कर पाएंगे शॉट लिखता पर बहुत अच्छा डिफेंस नाल ही सी हुमा के खिलाड़ी और ये कोशिश बहुत बढ़िया गेंद का नजारा पेश किया सके सामने एयरफोर्स ने एक को गोल करने की कोशिश बिल्कुल की थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हूँ इतरो अगर इतों गोल हो जाता तो शायद पाकिस्तान एयरफोर्स आसानी लाल जीत जाती हुमा हुमा तो गोल गोल अग गेंद हुमा तो गोल हुआ गेंद को अगे करने की कोशिश करेगी अगर इतरो गेंद करती अगे बहुत वधिया सी 23 नंबर खिलाड़ी के कोल गेंद पहुँचाने की कोशिश थी पर गेंद थोड़ी जी तेज निकली गेंद गोल कीपर के कोल पहुँच गई हूँ दोबारा तो कोशिश हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स की पाकिस्तान एयरफोर्स एक और गोल कर पाएगी क्या हुआ वापसी कर पाएगी देखते रहेंगे असी हले फिर तुम्हारा अटैक से आई है वापस दिखती गेंद हुमा ने अटैक फुल किया हूँ जाके गेंद दोबारा तो मिल चुकी है कि यह की करते पे जी हाँ साढ़े को हो चुके हैं पूरे 45 मिनट और इस 45 मिनट के बाद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स 20 मिनट के चांस फिर ने गेंद में चुका कोशिश हैगी है कि अगले 45 मिनट से वापस हुमा कोशिश करे वापस आने की और गर्दाफी कर सके तो देखते हैं की करती है कि हुमा एफ सी और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच मैच थोड़े सामने पेश कर रहे हैं गेम के उत्ते ए पी एस के उत्ते सब तो रिक्वेस्ट हैगी है प्लीज़ लाइक और सबसक्राइब साडे चैनल में करिए ताकि असी तुहाडे वास्ते और इस तरह की वीडियो बनाते रहिए ताकि तुहानू पाकिस्तान
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੇਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਹੁਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੇਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਪੁਤਜਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਅਗੇਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ ਲੈਫਟ ਲੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਗੇਂਦ। ਗੇਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਮਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁਮਾ ਤੋਂ। ਗੇਂਦ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਲੈਂਗ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫਲੈਂਕ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਲੈਂਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲੈਂਕ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਲੈਂਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਮੌਕਾ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੇਂਦ ਛਿੰਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਲਏਗੀ, ਸੈੱਟ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏਗਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਗੇਂਦ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਸੀ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੇਂਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਲੈਫਟ ਲੈਂਗ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਗੇਂਦ, ਚਾਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਫਟ ਲੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਸਿੱਧੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੇਂਦ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਸ ਬੈਕ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਡ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਨੰਬਰ ਖਿਲਾੜੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੇਂਦ, ਹੁਣ 16 ਨੰਬਰ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, 40 ਨੰਬਰ ਖਿਲਾੜੀ, ਫਲੈਂਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟੀ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ 16 ਨੰਬਰ ਖਿਲਾੜੀ, 19 ਨੰਬਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਗੋਲ ਦੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਪਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਿਆਈ, ਸਿੱਧੀ ਗੇਂਦ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ 92 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਗੇਂਦ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 1 ਗੋਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਬਾਏ ਬਾਏ।